अस्सलामुअलैकुम, इस्मी रिजवाना, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड टू फ्लेवर। आई होप आप सब ठीक होंगे और ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। रमज़ान की प्रेप्स की एक और वीडियो लेके मैं हाजिर हूँ आपके साथ। तो आज हमारे किचन में बन रही है इमली और गुड़ की मीठी खट्टी मीठी चटनी। सो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। आते हैं जी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत अच्छी और मज़ेदार इंस्टेंट सी रेसिपी आपके लिए है। तो इंग्रेडिएंट्स हैं, इमली का पल्प लिया है, इसको मैंने डीसीड कर लिया है गर्म पानी से गुजार के, ये है एक कप। आधा कप गुड़ है मेरे पास, इसको मैंने मोटा मोटा क्रश कर लिया है। 1 टेबल स्पून मेरे पास रेड चिली फ्लेक्स हैं, 1 टीस्पून मेरे पास क्यूमन सीड्स हैं, सॉल्ट टू टेस्ट है और 1 कप पानी है। सो लेट्स स्टार्ट कुकिंग। पैन रख दिया है मैंने चूल्हे पे, फ्लेम ऑन कर रही हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है जिसकी कोई इंतहा नहीं। पानी ऐड कर दें, इमली का पल्प ऐड कर दें। आप इसे 2 हफ्ते तक फ्रिज में रख सकते हैं, आराम से इंजॉय करें दही बड़ों के साथ, छोलों के साथ या पकोड़ों के साथ भी। इसी में आप गुड़ भी ऐड कर दें और कुटी हुई मिर्चें, क्यूमन सीड्स एंड सॉल्ट टू टेस्ट। चलें जी, इसको थोड़ी देर के लिए पकने दें जब तक के गुड़ घुल ना जाए और थोड़ी सी चटनी गाढ़ी ना हो जाए, क्योंकि डीसीड कर दिया था तो मैंने स्ट्रेन भी कर लिया था हाथ के हाथ। तो मिलते हैं जी 10 मिनट पका के इसको। आप देख सकते हैं ये अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है, गुड़ भी घुल गया है और बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी हो गई है, आप चेक कर सकते हैं। तो बस इस मोमेंट पे आपने चूल्हा बंद कर देना है। इसे मैं डिश आउट कर रही हूँ। तो इसे आप रख सकते हैं 2 वीक्स तक फ्रिज में। गीले चम्मच से चटनी नहीं निकालिएगा वरना ये फंगस हो जाता है इसके ऊपर, तो बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग इट। लेट्स सर्व। चले जी, हमारी मज़ेदार सी गुड़ की और इमली की चटनी तैयार है। इसे मैंने पोर कर दिया है, इसको ठंडा करके आप एयर टाइट कंटेनर में रख दें फ्रिज में, आराम से यूज़ करें। दही बड़ों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, चना चाट के साथ भी, दही बूंदियों के साथ भी ये बहुत अच्छी जाती है। आई होप यू लाइक माई रेसिपी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।